आज बचपन की याद पचपन में, हो सकता है सातवीं क्लास में, 30-40 साल पहले साहित्य में हम लोग एक कहानी पढ़े थे। कहानी शायद महाकवि जसपाल की लिखी कहानी थी, 1903 में आए थे धरती पर। अब वैसे तो मैं साहित्य के विषय में आपको कह चुका हूँ, साहित्य एक कहानी होती है, कथाएं सही भी होती है गलत भी होती है, परंतु आपको एक शिक्षा आपके जहन में बैठाने के लिए इतनी बड़ी कहानियों को गढ़ करके उसमें होता क्या है, आपको मनोरंजन होता है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो एक शिक्षा की पंक्ति है उसको आप काफ़ी दिन याद रखते हैं, आपके जहन में उतरता है। इस संसार में जीने जागने की एक बहुत, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे जो कोई भी साहित्यकार हो, इसीलिए उसका सभी कोई आभार है, इसलिए उन्होंने एक हम लोगों को दिशा देने का प्रयास किया। तो कहने का अर्थ यह है कि जसपाल ने जो कहानी लिखी थी, शीर्षक था उसका अखबार में नाम, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मास्टर साहब परेड करवा रहे थे। बसंत का मौसम था, धूप बहुत तेज थी। अब परेड करते करते उसमें एक बच्चा क्या हुआ, लड़का गर्मी से गिर गया नीचे, शायद उसका नाम किरदार का रखा आनंद था। तो जो बच्चा गिर गया तो उसको दो चार विद्यार्थी पानी लाया, आँख पे मुँह पे छींटा दिया पानी का, किसी ने ऐसे कॉपी ले करके उसको हवा दिया। इतने देर में हेडमास्टर साहब भी आ गए, कहा ये तो बड़ा जुलूम हो गया है। पीयून को भेजा, एक तंगा मंगाया और तंगे पर उस बच्चे को सहानुभूतिपूर्वक लाद के उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया। उसी बच्चों के पीछे एक और लड़का था जिसका नाम गुरुदास था। अब इसके मन में खटका, ये गिरा, ये बेहोश हुआ, इसीलिए ना इसका इतना सेवा शुश्रूषा हुआ, इतना इज्जत से इसको घर पहुंचाया गया। अगर कहीं हम ही गिर जाते तो इतना तो हम ही को ना होता। देखिए उसके मन की बात। उसी गांव में एक बीमारी आ गई, महामारी आ गई, महामारी में भी प्लेग जैसा महामारी, लोगों को सर्दी बुखार ये वो, उसमें से एक आक्रांत हो गया, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। गांव के एक भले लोग रहमान साहब ने म्यूनसिपलिटी को फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है साहब, वहाँ से सरकारी एम्बुलेंस की गाड़ी आई, आक्रांत लड़के को उठा के हॉस्पिटल ले गया। वहाँ नर्सों के देख रेख में उसका अच्छा इलाज हुआ, घर की सफाई हुई, बहुत सारे सफाई कर्मचारी घर के आगे पीछे लगे हुए। अब गुरदास को ये खटक रहा है, बीमारी भी पकड़ी तो उसी को, अगर ये बीमारी हमको पकड़ लेती तो इतना तो आखिर मेरा होता, इतना खातिर जो उसका हो रहा तो अभी तो मेरा होता। चलिए ठीक है, अब इसको तो लालसा था अखबार में नाम ना, उस दिन से यह अखबार खरीदना शुरू किया। अखबार में पढ़ रहा था, क्या देखें मेरे गाँव का नाम आया है, क्या उस लड़के का नाम तो नहीं आ गया है अखबार में। तो बड़ी धूम से वो अखबार पढ़ते पढ़ते बाजार से घर के तरफ आ रहा था। इतने में एक वकील साहब गाड़ी लेके आ रहे थे, तो ये भी अखबार के धुन में था, न जाने उसका भी ड्राइवर अनाड़ी रहा होगा। इस लड़के को लग गया ठोकर लग गया, इसका पेट टूट गया, कुल्हे में जख्म हो गई। वकील साहब बड़ी भले भद्र लोग थे, इसको उठा के उसी गाड़ी में बैठाया, ले गया हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए। दर्द से कराह रहा था, इलाज किया, सुई दिया, दवा दिया, फिर भी इसके कराहने की आवाज़ बंद न हुई। तो एक डॉक्टर साहब आए, इसको नींद की गोली दे दी। जब नींद की गोली इनको दे दी गई तो यह आराम का नींद सो गए। सोने के बाद जैसे ही इसका सवेरे नींद खुलता है, होश में आया, तब ये देखता है ये क्या हो गया जी मेरे साथ। इतने में वकील साहब भी इस लड़के को देखने के लिए आ गए। अब वकील साहब इसके सामने में बैठा, कहा देखो बेटा, तू तो अखबार पढ़ने के धुन में थे,
गाड़ी मेरी ड्राइवर ने गाड़ी को दाया बाया मोरा हल्ला किया, हॉर्न दिया, अब तुम भी नहीं सुने या कि ड्राइवर मेरा मिस किया। खैर चोट लग गई तो कोई बात नहीं है, तुमको मैं कुछ रुपये भी घर से व्यवस्था करके 200-400 लाया हूँ, मैं तुमको दे देता हूँ, तो देखो आगे कोर्ट कचहरी में क्लेम मत कर। लेकिन वकील साहब के ऐसे यहाँ पेपर था, तो ये लड़का कहा देखिए तो पेपर में मेरा भी नाम आया है क्या। वकील साहब इसके दिमाग को भांप लिया, वकील साहब दिया ऐसे कहा नहीं नाम तो तुम्हारा नहीं आया है, खैर तुम अगर चाहोगे तो आओ कचहरी पे, मैं तुमको तुम्हारा नाम डलवा दूंगा। हाँ, कृपया प्लीज मेरा भी नाम डलवा दीजिएगा पेपर में। तो वकील साहब, वकील वकील ना होता है, तो वकील साहब पूछा उससे अच्छा एक बात बताओ तो क्या तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा तो नहीं थी कि मेरा भी नाम पेपर में आ जाए। हाँ ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम आओ कोर्ट और कोर्ट में इस हिसाब से बोल देना, तुम्हारा नाम भी अखबार में छपवा देंगे, तुमको 200-400 रुपया भी दे देंगे। गया ही कोर्ट में, केस किया कोर्ट में, इसकी हाजिरी हुई, बुलाहट हुआ, कोर्ट इसको डिसीजन और जजमेंट क्या देता है कि गुरदास लड़का गांव नाहर इसको कोर्ट हरजाना दिलाने से इनकार कर रही है, इसलिए कि इस लड़का, ये लड़का एक महत्वाकांक्षी है, इसको अखबार में नाम लाने का एक बहुत बड़ा शौक था, तो हो सकता है जान करके ही ये ना कहीं उस मोटर से टकरा गया हो, इसलिए कोर्ट इसको हरजाना दिलाने से इनकार करती है। साथियों सोच सकते हैं अखबार में नाम।